अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इस्लामिक स्टडीज जीके कोर्स, जिसमें हम आदम तो मोहम्मद सी डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आज 20th लेक्चर है हमारा, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं वो बनी इसराइल के ही पैगंबर हैं। इनको बनी इसराइल की तरफ ही मबूस फरमाया गया था। कौम इनकी बनी इसराइल, और ये हज़रत बिन्यामीन की नस्ल में से हैं। हज़रत बिन्यामीन उनकी नस्ल में से हैं। हज़रत बिन्यामीन, जैसे कि आप जानते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे, और इनका जो लकब है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, दैट इज़ साहिबुल हूत। इसके अलावा इनको एक और लकब से भी जाना जाता है, दैट इज़ जुन्नून। जुन्नून का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द फिश। लॉर्ड ऑफ द फिश कुरान में इनका जो जिक्र है वो 4 दफ़ा आया है। 4 दफ़ा मेंशन है। उसके अलावा इन पे एक सूरत भी नाजल हुई इनके नाम पे, दैट इज सूरह यूनुस। इनका जो इलाका, जिस इलाके में ये पैदा हुए, दैट इज मोसल। मोसल एक इराक का इलाका है, और उसमें एक शहर है, दैट इज नैनवा। आप नैनवा में पैदा हुए थे, और नैनवा की जो लोग थे बनी इसराइल, तब वहाँ पे आबाद थी। और ये इलाका कहाँ पे है? दरिया दजला, उसके किनारे पे, दरिया दजला उसके किनारे पे आबाद है। इसको इंग्लिश में इस दरिया को टिग्रिस बोलते हैं, टिग्रिस रिवर। और इनके जो वालिद हैं उनका नाम, दैट इज मता। उसके अलावा कुछ बुक्स में इनको उम्मती भी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और इनको नबूवत जो है वो 30 साल की उम्र में मिली थी। 30 साल की उम्र में नबूवत इनको मिल गई थी। आपने अपनी कौम को अल्लाह की दावत दी, लेकिन कौम ने जो है वो आपकी नाफरमानी की, इसलिए आप दिल बर्दाश्ता होकर चले गए, वहाँ से निकल गए। और आपने अपनी कौम को अजाब की खबर दी थी कि आप पर अजाब आएगा। तो 3 दिन का टाइम था, तो आपने कहा कि 3 दिन के बाद जो है वो अजाब आ जाएगा। तो 3 दिन तक अजाब जो है वो मंडराता रहा, लेकिन अजाब नहीं आया। तो जब आप वहाँ से चले गए, तो कौम ने तोबा कर ली पीछे से। जब कौम ने तोबा कर ली, तो अजाब जो है वो टल गया, और 1,20,000 लोग ईमान ले आए थे। टोटल 1,20,000 लोग थे जो ईमान लेकर आए थे। क्योंकि आपको नहीं पता था कि कौम ईमान ले आई है, तो आप उस टाइम तक कश्ती में सवार होकर चले गए थे वहाँ से, अल्लाह के हुक्म के बगैर। आप दिल बर्दाश्ता होकर अपनी कौम से वहाँ से निकल गए थे। तो कश्ती जो है वो तूफान की जद में आ गई और डूबने लगी। तो वहाँ पर उस टाइम पे माना जाता था कि कश्ती उस वक्त तूफान में आती है जब कोई अपने मालिक की इजाज़त के बगैर कश्ती में सवार होता है। तो उस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने कुर्रा डाला लोगों ने, कि कौन है जो अपने मालिक की इजाज़त के बगैर आया है, कश्ती में सवार हुआ है। तो 3 दफ़ा कुर्रा डाला, और 3ों दफ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। इनको इसलिए नहीं, पहले 2 दफ़ा निकाला गया कश्ती से, क्योंकि आप बहुत मोतबर इंसान थे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन बार बार आप ही का नाम जब आया, तो आपने खुद ही समुंदर में छलांग लगा दी थी। समुंदर में छलांग लगा दी।
जब आपने समुद्र में छलांग लगा दी तो मछली ने आपको निगल लिया था। तो आप मछली के पेट में चले गए और मछली के पेट में आप 40 दिन तक रहे थे। 40 दिन, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं वो मछली के पेट में कितने दिन तक रहे थे। तो आप मछली के पेट में जिंदा रहे और वहाँ पर आपने अल्लाह ताला से दुआ की और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तो इनकी जो दुआ है वो सूरह अंबिया में मौजूद है। सूरह अंबिया की वर्स 87 उसमें है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सूरह अंबिया की वर्स 87 है जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो ये भी एमसीक्यू जाता है कि सूरह सॉरी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो कौन सी सूरत में है और वो वर्स कौन सी है, वो आयत नंबर कौन सी है। ठीक है, और इसका जो तर्जमा है दैट इज़, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। ठीक है, तो ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये दुआ जो है आपने मछली के पेट में पढ़ी, तो फिर आप अल्लाह ताला ने आपकी जो दुआ है वो कबूल की और आपको मछली के पेट से आज़ाद करवा दिया। तो जब मछली ने आपको उगला तो आप बहिरा रोम के साहिल पे थे। बहिरा रोम, इसी समुंदर में आप मछली ने आपको निगला था। बहिरा रोम को मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी। ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो ये वाहिद कौम है बनी इसराइल की, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जो कि अज़ाब इलाही के मनाजर देखकर जो कौम ईमान ले आई थी। इसके अलावा किसी और कौम ने ईमान नहीं लाया अज़ाब देखकर। तो ये वाहिद कौम है। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि किस नबी की जो कौम है वो अज़ाब इलाही के मनाजर देखकर ईमान ले आई थी। तो दैट इज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जो थी। और इनकी जो वफात है वो 120 साल की उम्र में होती है। 120 साल इन्होंने उम्र पाई टोटल, और इनकी जो कब्र है वो भी मोसल में ही है, मोसल इराक। तो ये था आज का लेक्चर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पे। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।